अक्सर साइज 3.5 स्टेटमेंट आप नीचे पढ़ सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। नो यूनिक सोल्यूशन आपको बताया था, जो ऐसे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं, वन सोल्यूशन भी बोलते हैं आपको बताया था, और इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन आता है ऐसे, ठीक है, फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा उसको हल करेंगे। देखो पहला, पहले क्या दिया है इसमें, एक्स माइनस थ्री वाई, ठीक है। हम इसको सीधे भी देख सकते हैं, ठीक है, ए वन क्या था उसमें, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, जब ये होता है तब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। देखो अब क्या करके देखते हैं इसको करके, देखो ए की वैल्यू कितनी है, वन बाय थ्री इक्वल टू माइनस थ्री बाय माइनस के, नाइन माइनस से माइनस थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। इसका मतलब कि ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। देखो कौन सा सोल्यूशन है, आगे क्या देर क्या है, माइनस थ्री बाय टू माइनस से माइनस, ठीक है। ये कौन सा है, ये नो सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा नो सोल्यूशन, हमसे क्या पूछा है, अगर यूनिक सोल्यूशन हो, अगर यहां ऐसे आता तो हम करते, ये कैसे आया है, ये आया नो सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको यहीं तक करना आपने, नेक्स्ट करते हैं इसका, हमें यूनिक सोल्यूशन देखना है, ठीक है। पहले तो इनको आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है, ए वन टू ए टू थ्री बी वन वन बी टू टू सी वन फाइव सी टू एट, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे, जीरो जीरो, ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का फाइव माइनस का एट, ठीक है। तो ये भी किस चीज के हो जाएंगे, माइनस के। अब देखो ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब ये देखना हमें ए वन क्या है, दो, ए टू क्या है, तीन यानी थ्री, बी वन वन बी टू टू इक्वल टू सी वन कितना माइनस का फाइव और सी टू कितना माइनस का एट, ठीक है। अब देखो टू बाय थ्री वन बाय टू नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा इसको हल करना होगा। चलो आइए करते हैं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई बाय सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। या तो इस मेथड से कर लो, एक और सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है देखो आपको बता देता हूं, एक्स वाई और वन, यहां लिखना बी वन बी टू सी वन सी टू, यहां लिखना ए वन ए टू, यहां लिखना बी वन और बी टू, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, फिर क्या करना आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ, C1 की A2 से, C2 की A1 से, A1 की B2 से, A2 की B1 से, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, B1 की C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, B1 मल्टीप्लाई देखो x बाय B1 C2, एक बात ध्यान रखना, जब इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद B2 और C1 की मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में हर एक का माइनस का निशान आएगा, क्या आएगा, B2 C1 इक्वल टू। अब Y का देखो,
y बाय देखो सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, सी टू ए वन इक्वल टू वन बाय, अब इनकी मल्टीप्लाई ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए टू बी वन, ठीक है। अब देखो यहां से यही फॉर्मूला बनेगा आपका, ऐसी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये आपको समझाने के लिए दिखाया गया। अब हम सवाल करते हैं कैसे करना है, इसको इरेज कर देता हूं। हमने क्या करना है, जो वैल्यू आई हमारी बी वन सी टू की इसमें पुट करनी, ऊपर क्या चला हुआ है एक्स बाय, देखो यहां बी वन की इतना वन, अब सी टू देखेंगे कितना माइनस का एट, माइनस माइनस का निशान लगाना है। अब बी टू कितना है, बी टू माइनस एट, बी टू देखेंगे बी टू है टू, सी वन इंटू माइनस का फाइव इक्वल टू वाई बाय, सी वन कितना है माइनस का फाइव, ए टू कितना है, ए टू हमारे पास थ्री इंटू में थ्री, माइनस का निशान लगाएंगे। सी टू देखो कितना, सी टू, सी टू है माइनस का एट, माइनस का निशान माइनस का एट, ए वन कितना है टू इंटू में टू इक्वल टू वन बाय, ए वन देखो कितना, ए वन टू, बी टू कितना है इंटू में टू माइनस, ए टू कितना है थ्री इंटू में, बी वन कितना है वन, ठीक है। ये ऐसे आपने इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब ऊपर क्या चला हुआ है एक्स, नीचे क्या है एट की मल्टीप्लाई वन से करेंगे कितना आएगा माइनस एट, माइनस फाइव की टू से करेंगे माइनस टेन, माइनस टेन की माइनस से करेंगे प्लस का टेन इक्वल टू वाई बाई, ठीक। फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस के फिफ्टीन, एट टू जा सिक्सटीन माइनस के सिक्सटीन और माइनस प्लस के सिक्सटीन इक्वल टू वन बाई, टू टू जा फोर, थ्री वन जा थ्री माइनस का थ्री, अब इनकी वैल्यू लिख देंगे नीचे एक्स बाय प्लस के टेन माइनस के एट नीचे बचा टू इक्वल टू वाई बाय प्लस के सिक्सटीन माइनस के फिफ्टीन नीचे बचा वन इक्वल टू वन बाय फोर माइनस थ्री वन, ठीक है। अब इनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, जैसे एक्स बाय टू इक्वल टू वन बाय वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इजकल टू टू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी टू, उसके बाद क्या देर क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वन से करेंगे y इजकल टू वन, y की वैल्यू कितनी आई हमारी वन, x की वाई x की वैल्यू आई टू, y की आई वन। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे a1 वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, कंडीशन क्या दी हुई है, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो यानी ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, अगर ये कंडीशन है तो हमने इसका सॉल्यूशन करना आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा, अगर नहीं है तो ये रोक देंगे, ठीक है। देखो ए वन कितना नीचे लिख देंगे, आपने वैल्यू लिखनी है इनकी, ए वन थ्री बाय सिक्स इक्वल टू बी वन फाइव माइनस के बाय माइनस के टेन इक्वल टू ट्वेंटी बाय फोर्टी, अब देखो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स माइनस से माइनस कैंसिल, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, ठीक है, ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी, ट्वेंटी टू जा फोर्टी, क्या आया वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू, तो क्या आ गया इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हमारी कंडीशन क्या थी, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा आगे सॉल्व करना, नहीं तो यहीं तक करना है, ओके। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे इनकी वैल्यू, देखो ए वन वन है, ए टू थ्री, बी वन कितना माइनस थ्री और बी टू माइनस का थ्री, और देखो सी वन माइनस का सेवन, सी टू माइनस का फिफ्टीन, ठीक है। अब लिखेंगे इसको ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू,
ठीक है, ऐसे करके देखना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा करेंगे। ठीक है, देखो ए वन कितना, वन और ए टू थ्री इक्वल टू बी वन माइनस थ्री बाय माइनस का थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का सेवन, माइनस का फिफ्टीन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया ए वन बाय वन बाय थ्री इक्वल टू थ्री वन जा थ्री, वन बाय वन इक्वल टू सेवन बाय फिफ्टीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या करना, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा इसको आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। चलो लिखते हैं मेरे साथ साथ बोलिएगा, एक्स बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, साथ के साथ याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखो वाई बाय सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन बाय लिखेंगे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, अब इनके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स बाय बी वन देखो कितना, बी वन माइनस थ्री माइनस थ्री, सी टू कितना है माइनस का फिफ्टीन इंटू में माइनस फिफ्टीन, माइनस का निशान लगाएंगे। बी टू देखो कितना, बी टू माइनस थ्री माइनस थ्री, सी वन देखो कितना माइनस का सेवन इंटू में माइनस का सेवन। वाई बाई सी वन कितना हमारे पास, सी वन कितना माइनस का सेवन, ए टू कितना इंटू में थ्री, माइनस का निशान लगाएंगे। सी टू कितना हमारा माइनस के फिफ्टीन, ए वन कितना है इंटू में वन इक्वल टू वन अपॉन ए वन कितना वन इंटू। बी टू कितना है, बी टू देखो माइनस का थ्री, माइनस का निशान। ए टू कितना, ए टू थ्री इंटू बी वन माइनस का थ्री। अब देखो आगे एक्स बाय माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ कितना आएगा, प्लस का फोर्टी फाइव, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस के ट्वेंटी वन इक्वल टू वाई बाई सेवन थ्री या ट्वेंटी वन किसके, माइनस के, फिर माइनस और माइनस प्लस के कितने हैं फिफ्टीन इक्वल टू वन बाय माइनस थ्री, आगे माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस के नाइन। यहाँ देख लेते हैं ए टू थ्री है, ठीक है। अब आगे करेंगे देखो एक्स बाय ट्वेंटी फोर इक्वल टू वाई बाय माइनस के सिक्स इक्वल टू वन बाय सिक्स, इनको एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। एक्स बाय ट्वेंटी फोर इक्वल टू वन बाय सिक्स और वाई को रख लेंगे वाई माइनस सिक्स इजकल टू वन बाय सिक्स। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स एक्स इजकल टू ट्वेंटी फोर, एक्स इजकल टू ट्वेंटी फोर बाय सिक्स, क्यों मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, एक्स इजकल टू फोर, एक्स की तो आएगी हमारी फोर। अब वाई की देखते हैं कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स वाई इजकल टू माइनस सिक्स, वाई इजकल टू माइनस सिक्स बाय सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, वाई इक्वल टू माइनस का वन, वाई की आएगी हमारी माइनस वन और एक्स की आएगी फोर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, बहुत आसान वाला क्वेश्चन है ये। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात है आपको पता ही है, जब ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, तभी आते हैं ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, बहुत आसान है। देखो ए वन कितना दिया हुआ हमको, यहाँ लिख लेते हैं ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। ठीक है, ए वन कितना है टू, ए टू ए माइनस बी इक्वल टू बी वन देखो कितना थ्री बाय ए प्लस बी इक्वल टू सी वन कितना देखो सेवन बाय
थ्री ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है। अब इस क्या करेंगे हम, देखो टू बाय ए माइनस बी इक्वल टू थ्री बाय ए प्लस बी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, किसी को किसी के, जैसे इसको इसके साथ इक्वल रख लो, इसको साथ इक्वल रख सकते हो। अब करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो तो क्या आ गया, टू ए प्लस टू बी इक्वल टू थ्री ए माइनस थ्री बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, टू ए माइनस थ्री ए, माइनस का ए बड़ा माइनस का है, और इसको इस साइड ले आएंगे प्लस के, फाइव तीन और दो पाँच, फाइव बी इजकल टू जीरो। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है, ए की वैल्यू निकालते हैं, या एक और इसमें से वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके इक्वल रख देंगे, देखते हैं क्या आता है। अब करेंगे देखो, अब इसी की कर लेंगे, ठीक है, किसकी करेंगे, टू बाय ए माइनस बी इक्वल टू सेवन बाय थ्री ए प्लस बी माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, कितनी आएगी, थ्री टू जै सिक्स ए प्लस टू बी माइनस फोर इक्वल टू सेवन ए माइनस सेवन बी, इस साइड ले आएंगे कितनी आएगी, सिक्स ए और ये सेवन ए, माइनस का ए प्लस सेवन बी, इस साइड आके प्लस हो जाएगा और टू बी नाइन बी, और ये कितना बच गया, माइनस फोर इजकल टू जीरो। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल देंगे, इसमें से निकाल देंगे, माइनस ए इक्वल टू माइनस का फाइव बी, माइनस ए माइनस ए इजकल टू फाइव बी, ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, माइनस का फाइव बी प्लस का नाइन बी माइनस फोर इजकल टू जीरो, कितना आएगा यहाँ पर, प्लस के नाइन बी माइनस के फाइव बी, फोर बी माइनस फोर इजकल टू जीरो, फोर बी इजकल टू फोर, ये माइनस का साइड प्लस का जाएगा तो बी इजकल टू फोर बाई फोर, कितना आ गया, वन। तो बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वन। बी की वैल्यू अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है, बी की वैल्यू रखेंगे इसमें, ए इजकल टू फाइव इंटू वन, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, फाइव। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था, ए की वैल्यू फाइव, बी की वैल्यू वन। क्वेश्चन टू का सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के स्टेटमेंट नीचे पढ़ सकते हो, के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, यहाँ देखिए, जब ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ठीक है, जब ये हो तब होता हमारा नो सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ देखो, लिख लें इनको, थ्री एक्स प्लस वाई, इस वन को इस साइड ले आएंगे, माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ क्या दिया हुआ, टू के माइनस वन प्लस के माइनस वन, ये भी साइड आ जाएगा, माइनस टू के इस प्लस वन, ठीक है यहाँ तक। अब क्या दिया, ए वन बाई ए टू, यानी कि थ्री बाय टू के माइनस वन इक्वल टू, यह क्या दिया हुआ, वन वन बाय के माइनस वन, इसके इक्वल रखेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ देखो थ्री के माइनस थ्री इक्वल टू टू के माइनस वन, ये टू के साइड आएगा, थ्री के माइनस टू के, ये थ्री उस साइड चला जाएगा, प्लस के थ्री माइनस का वन, यहाँ क्या रह गया, के इक्वल टू टू, के की वैल्यू क्या आएगी हमारी, टू, ठीक है। अब सेकंड क्या दे रखा है, देखो सेकंड में क्या दे रखा है, वन बाई के माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाय माइनस टू के प्लस वन, ये नोट इक्वल टू दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू टू पुट कर देंगे, वन बाय के की वैल्यू टू माइनस वन इक्वल टू वन बाय टू इंटू टू प्लस वन, वन बाय वन इक्वल टू वन बाय टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, ये क्या है, वन बाय वन नॉट इक्वल टू वन बाय फाइव, यही हमने प्रूव करना था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए,
सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको सबसे पहले करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको इस साइड ले आएंगे इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, a1 लिखेंगे कितना, a1 बाय a2, a1 कितना है 8, a2 3, b1 बाय b2, b1 कितना 5, b2 2, c1 बाय c2 कितना दे रखे माइनस 9 बाय माइनस के 4। उसके बाद क्या करना, हमने फॉर्मूला लिखना। ठीक है, इसके करने के बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 इजकल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसका करने के बाद इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो x बाय b1 कितना हमारा 5, c2 कितना हमारा माइनस का 4, माइनस का निशान लगाएंगे, b2 कितना है 2 प्लस का 2 है, c1 कितना है c1 माइनस का 9 इंटू में माइनस का 9 इजकल टू y अपॉन c1, देखो कितना c1 माइनस का 9 इंटू a2 3 माइनस का निशान, c2 माइनस का 4, a1 इंटू में 8 इजकल टू 1 अपॉन a1 8, b2 इंटू में 2 माइनस का निशान, a2 3 इंटू में b1 5। अब इनके नीचे लिख देंगे, देखो x बाई 5 4 20, 9 2 18, माइनस के 18 माइनस का 1 प्लस के 18 और माइनस के 20 तो माइनस के 2 इक्वल टू y अपॉन 8 4 32 32, माइनस के और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 32 और 9 3 27, माइनस के 27 32 प्लस के माइनस के 27 32 माइनस 27 5 इक्वल टू 1 बाई 8 2 16 प्लस के है 5 3 15 माइनस के, तो यहाँ कितना बचा 1। अब इनको इक्वल रख लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 1, x इजिकल टू माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस का 2, यहाँ से y निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इजिकल टू 5, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 5 और x की आएगी हमारी 2। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। ठीक है, यहाँ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इसी संख्या को। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना था, इसमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, किसी एक में से एक वैल्यू इसमें से निकाल लें, इसमें से निकाल लेंगे 3x इक्वल टू 4, ये साइड चला जाएगा माइनस के 2y, 3 यहाँ से हटा दिया जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये इक्वेशन हमारी ये रही, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन 1, 8x प्लस 5y माइनस 9 इजकल टू 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये है 3x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, इक्वेशन 2 है। ठीक है, हमने वैल्यू इक्वेशन 2 में से निकाल लिया, इसको क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे ऐसे की ऐसे, क्या दे रखे है 8 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 2y बाय 3 प्लस 5y। ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा इक्वल टू में 9। अब 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16y बाय 3 प्लस में 5y इजिकल टू 9, एलसीएम कितना आया 3, एलसीएम 3 ले लें, ऊपर कितना बचा 32 माइनस 16 प्लस 1 3 जा 3 3 5 जा 15 15y इक्वल टू 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
यहाँ क्या बचा 32, ठीक है, यहाँ 16y है और ये 15y है। माइनस का वाई इजकल टू 9 × 3 = 27, माइनस वाई इजकल टू 27 माइनस के 32, माइनस वाई इजकल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, ठीक है। अब इसमें देखो y की वैल्यू कितनी है 5, इसमें y की 5 आई थी, इसमें भी y की 5 आई है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या 1 में, 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, ये कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या हमारी, देखो ये, ठीक है, क्या दे रही है 3x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू में 4, ये उस साइड चला जाएगा 3x इक्वल टू में 4, 2 × 5 = 10, प्लस के 10 उस साइड जाके माइनस के 10, ठीक है। 3x इक्वल टू माइनस के 6, x इजल टू माइनस 6/3 कितना आया 2, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 किस चीज़ के माइनस के, ठीक है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी माइनस के 2 और वहाँ भी कितने आई माइनस के 2। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, नीचे यहाँ स्टेटमेंट पढ़ सकते हो साथ के साथ, हॉस्टली चार्ज इज फिक्स्ड, हॉस्टली चार्ज जो फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और किस पे डिपेंड करा हो नंबर ऑफ डेज, शुरू में तो फिक्स है, अगर अलग से आपने लेना कुछ तो उसका चार्ज लगेगा। वन हैज टेकन फूड इन द मैस, वन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, एक स्टूडेंट है जो भोजन लेता है वहाँ से 20 दिन, हैज टू पे रुपीज 1000, 1000 रुपये पे करता है, एज हॉस्टल चार्ज वेयर जे स्टूडेंट बी, और हॉस्टल चार्ज बी का, हु टेक्स फूड फॉर 26 days, पे रुपीज 1180, ठीक है 1180 हॉस्टल चार्ज दे, एक तो देता है 20 days के 1000 रुपये, एक देता है 26 days के 1180 रुपये। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक तो निकालना अपना फिक्स चार्ज निकालेंगे, एक पर डे के हिसाब से जो फूड कॉस्ट है भोजन का, जो कितने रुपए उसने पे करने पड़े वो निकालेंगे, ठीक है। कहेंगे केस वन लेंगे, केस वन में क्या दे रखा है, फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा, एक्स प्लस कितने दिन का दिया हुआ यहाँ पर 20 days का, तो एक्स प्लस 20y इजकल टू 1000, ठीक है, ये केस वन है। अब यहाँ निकालते हैं हम केस टू का, केस टू का फिक्स चार्ज तो एक्स है प्लस कितना 26 days का 26y इक्वल टू 1180, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी 2, इक्वेशन वन, इक्वेशन 2, ठीक है। आइए निकालते हैं इसको, हम क्या करेंगे इक्वेशन वन और इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, इक्वेशन 2 का एक्स प्लस 26y इजकल टू 1180, ठीक। अब वेरिएबल सेम है तो निशान चेंज कर देंगे, माइनस ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा माइनस के 6y इक्वल टू, यहाँ कितना बच गया 180, किस चीज़ का माइनस का, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इजकल टू 180/6, 6 × 3 = 18, 600, तो y कितना है हमारा 30, ठीक है, y क्या था हमारा पर डे के हिसाब से उसने 30 रुपीज़ देने पड़ते थे, ठीक है। अब निकालते हैं हम x की वैल्यू, y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, ठीक है, y इक्वल टू 30 पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या हमारी x प्लस 20y इक्वल टू 1000, अब y की जगह क्या रखेंगे हम 30, x प्लस 20 × 30 इक्वल टू 1000, x प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 0 = 0, 20 × 3 = 60 इक्वल टू 1000, तो x इजकल टू 1000 माइनस 600, x इजकल टू
400, ठीक है, 1000 में से 600 माइनस करेंगे 400, तो उसको जो फिक्स चार्ज था उसका जो देना ही पड़ता था वो तो 400 रुपए थे, ठीक है, और जो पर डे के हिसाब से उसका लगता था 30। बस ये सवाल था छोटा सा। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हो, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, देखो साथ के साथ करते हैं, फ्रैक्शन बिकम 1/3, 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड इट बिकम 1/4, 1/4 कब बनता है, 1/8 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बताना अपने, फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन क्या आता है, एक्स बाई वाई के फॉर्म में। अब क्या दिया इन्होंने, देखो एक्स बाई वाई लिख लेंगे, इक्वल टू में क्या दिया हुआ, किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल बनता है, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, केस 1 तो बन गया हमारा ये, ठीक है। अब केस 2 में क्या कहता है, 1/4, ठीक है, केस 2 लिख लें यहाँ, केस सेकंड में पहले देखो 1/4 बना है, कब बना है, फ्रैक्शन लिख लेंगे, 1/4 बना है, 8 इज एडिड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान वाला सवाल है। देखिए अब क्या कर देंगे, यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 की एक्स से करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, ये इक्वेशन बन गई, ये किसी भी मेथड से करो आप, दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की एक्स से करेंगे, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, क्यों, 1 की y से करेंगे y, 8 की 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है यहाँ पे, अब इसको इस साइड ले आए, देखो यहाँ पर 3x इस साइड आएगी माइनस वाई इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा 3, ठीक है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इसके नीचे ले आएंगे, इक्वेशन 2 क्या हमारी, इसको भी इस साइड ले आए, इस साइड ले आएंगे, देखो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है, 4x y को इस साइड ले आएंगे और 8 उस साइड ही रहेगा। अब इसके नीचे लिखेंगे 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक। अब क्या कर देंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट में क्या आ जाएंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, या माइनस का क्या बचा है, एक्स, माइनस 4x में से प्लस 3x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस 8 प्लस के 3 कितना बचा है, 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इजिकल टू 5, तो x की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू हम इनमें से किसी एक में रख देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, x की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हमारी, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 ये है, ये बन गया इक्वेशन 1, देखो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, 5, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, आगे देखो यहाँ कर लेंगे इसको, माइनस का वाई इक्वल टू में 3 है, माइनस का वाई इक्वल टू में 3 है, ये 15 क्या है, प्लस का उस साइड जाके क्या जाएगा, माइनस का, क्या रहा है, माइनस का 15 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 प्लस 3 कितना रह जाए, माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y कितना आ गया, 12, 12, तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, देखो फ्रैक्शन हुआ हमारा 5/12, ठीक है, यही निकालना था हमने। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, स्टेटमेंट आप नीचे पढ़ेंगे, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस क्या करता है, 40 नंबर लेता है, ठीक है, स्कोर करता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर उसके सही आंसर मिलेंगे तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, लूजिंग 1 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर, अगर गलत मिलेगा तो उसको 1 नंबर काट लिया जाएगा, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट,
फोर मार्क्स क्या उसको अवार्ड में मिलेंगे, ठीक है, फोर मार्क्स अवार्डेड फॉर इच करेक्ट, अगर सही आंसर देगा तो फोर मिलेंगे। टू मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकोरेक्ट, अगर वो गलत आंसर देगा तो उसके दो और काट लिए जाएंगे, तब वो प्राप्त करता है 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देर इन टेस्ट, कितने क्वेश्चन थे वो बताने हैं, ठीक है, चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान वाला है। देखो पहले क्या बनेगा, उसके दे थ्री राइट आंसर, थ्री एक्स राइट माना करेक्ट तो माना हमने एक्स, इनकोरेक्ट वाई, करेक्ट क्या हमारा थ्री एक्स, यानी कि थ्री एक्स, थ्री एक्स उसके बाद माइनस वन वाई, वन उसका क्या था नेगेटिव मार्किंग लगा लो, एक नंबर काट लिया, तो कितने प्राप्त हुए उसके 40, ठीक है, इक्वेशन वन, केस वन लगा लो इसको, केस वन, ठीक है। अब केस टू में क्या, इधर लिख दें केस टू, फोर मार्क्स हैड बीन अवार्डेड, देखो फोर एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 50, ठीक है, उसके अगर सही करेगा तो फोर मिलेंगे, अगर गलत इनकोरेक्ट होगा तो टू नंबर काट ले जाएंगे, नहीं दो नंबर काट ले जाएंगे, तो स्कोर करता 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या कर देंगे, टू डिवाइडेड डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है, टू डिवाइड कर देंगे, टू डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, टू एक्स माइनस वाई इजकल टू 25, इक्वेशन टू बन गई, इक्वेशन वन ये है हमारी, इसको क्या करेंगे इसके नीचे ले आएंगे, क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है, वेरिएबल सेम है, माइनस वन वाई माइनस वन वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट करने पर निशान चेंज होते हैं, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन वाई प्लस वन वाई, ठीक है, एक वाई प्लस के एक वाई माइनस के कैंसिल हो गया, तो यहाँ थ्री एक्स प्लस के टू एक्स माइनस के कितना बचा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर 40, यहाँ पर 25 माइनस के कितना बचा 15, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 15, बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे एक्स की वैल्यू किसी एक में रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन वन में रख देंगे, एक्स इक्वल टू 15 putting in equation वन, इक्वेशन वन क्या हमारी देखो 3x minus y equal to 40, अब x के स्थान पर क्या रखेंगे 15, तो 3 into 15 minus y is equal to 40, तो 15 3 जा 45 minus y equal to 40, minus y equal to 40, ये प्लस के उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 45 माइनस वाई इजकल टू माइनस 40y प्लस के 40 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आया हमारा 5, ठीक है, y 5 x 15, जो करेक्ट आंसर थे तो वो कितने थे उसके 15, इनकोरेक्ट कितने थे उसके 5, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए आप, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से प्लेस ए से बी, ए से बी, ठीक है, ए से बी 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे, वन का स्टार्ट, ठीक है, कितना ये 100 किलोमीटर, उसके बाद वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये ऐसे लगा लो ये कार है, यहाँ से स्टार्ट होगी कार, ठीक है, अनदर फ्रॉम बी ए से, एक कार यहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट होगी, एक तो ए से स्टार्ट हुई, एक बी से स्टार्ट हुई, ठीक है, इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है इनकी, ठीक है, डिफरेंट स्पीड, स्पीड अलग अलग है, मीट इन 5 आवर्स, क्या करती है ये किसी स्थान पर, जैसे यहाँ पर सी पॉइंट लगा लो, यहाँ पर मिलती है कितने 5 आवर्स में, यहाँ से चलकर ऐसे चलिए, यहाँ पर 5 आवर्स में यहाँ पर मिलती है दो गाड़ियाँ, ठीक है, पहले समझो इसको, बिल्कुल आसान है, एक गाड़ी ए से चलती है, दूसरी गाड़ी बी से चलती है, इनकी स्पीड अलग अलग है, ठीक है, अलग तो होनी थी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, क्यों, ये कम चलिए तभी तो यहाँ तक पहुँची है, ये ज़्यादा स्पीड से चलिए तभी इसको 5 घंटे में पकड़ लिया इसने, ठीक है, पहला तो है ये, उसके बाद कहता है
इफ दे ट्रैवल, ये तो केस वन लगा लो आप, केस वन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल आराम से। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं उसके अनुसार ही हम इसको बनाते जा रहे हैं। आगे कहता है ये, इफ दे ट्रैवल टू वर्ड्स इच अदर, ठीक है, केस टू में देखिए, केस टू, केस टू में क्या कहता है, इफ दे ट्रैवल टू वर्ड्स इच अदर, एक दूसरे के ऐसे आमोसामी, ठीक है, एक तो ए है एक बी है, ठीक है, ए तो इस साइड से ऐसे जा रही है, बी इस साइड से ए की तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है, इस साइड से जा रही है, एक इस साइड से आ रही है, ठीक है। आगे क्या कहता है देखिए, इफ दे ट्रैवल टू वर्ड्स इज अदर मीट इन वन हावर्स, एक घंटे में मिलती है, जैसे यहां पर मिल गई है वन हावर्स, ये कितने मिलती है वन हावर्स, ठीक है। चलो करते, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये, आपको समझ में पहले से लेकर करवाया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको देखिएगा कैसे करेंगे हम, देखो क्या कहता है, देखो ए और बी, हमने क्या माना है, स्पीड ऑफ कार ए कितनी है, एक्स किलोमीटर स्पीड तो है, स्पीड एक्स किलोमीटर पर हावर, टाइम कितना दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ हमें फाइव हावर्स, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। देखो डिस्टेंस निकालना है, डी से डिनोट कर देंगे, स्पीड कितनी है हमारी एक्स किलोमीटर और टाइम कितना है इंटू में फाइव, तो कितना आ गया फाइव एक्स, ठीक है। अब इसी प्रकार कार बी की निकाल लेंगे, ये कार ए की, कार बी की निकाल लेंगे, कार बी की कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड वाई और कितना टाइम फाइव आवर्स, तो कितना आएगी ये फाइव वाई, ठीक है। जो इनका डिफरेंस है देखो, ए एक ए से चली सी तक, एक बी से चली, इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस है, यानी कि देख पहली इक्वेशन क्या बनेगी, फाइव एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू हंड्रेड, ठीक है। फाइव एक्स एक स्पीड से चली, एक दूसरी अलग स्पीड से चली, पहली स्पीड से, पहले स्पीड में से दूसरी स्पीड माइनस करेंगे तभी डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे फाइव से, डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है, फाइव कर दें, फाइव डिवाइडिंग बोथ, फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी, इक्वेशन वन बन गई हमारी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी। अब केस टू देखो, केस टू में एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक तो यहां से चल रही है, दूसरी यहां से चल रही है, वो ऐसे आ रही है एक दूसरे की वन हावर्स में, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो ए का और बी का डिस्टेंस कितना होगा, कितनी मानी एक्स इंटू हावर कितने आवर्स, वन, यानी कि वन एक्स, और दूसरी वाई है तो वाई की मल्टीप्लाई ए की वन हावर्स है उससे करेंगे, तो क्या आएगा देखो इसकी, वन एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू, कितनी स्पीड थी इसकी, ये भी सो ही है ना, स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस काउट किया इन्होंने 100 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस काउट किया 100 किलोमीटर, तो क्या बन गई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू हंड्रेड, इक्वेशन टू बन गई। इक्वेशन वन क्या हमारी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी, ठीक है, ये इक्वेशन वन है। अब इनको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, वाई से वाई कैंसिल आउट, एक्स और एक्स, टू एक्स इजकल टू हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी, एक्स इजकल टू वन ट्वेंटी बाय टू सिक्सटी, जो एक्स की स्पीड थी वो कितनी थी 60 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है, एक्स की किलोमीटर कितनी, एक्स की कितनी आई हमारी 60 किलोमीटर पर हावर, एक्स की स्पीड आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। वाई की निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर दें या टू में पुट कर दें, वन में पुट कर दें, एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की यहाँ देखो, एक्स की जगह क्या रख दें, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस वाई इक्वल टू 20, 60 प्लस के उस साइड जाकर माइनस के 60 हो जाएंगे, ठीक है, तो माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 40, माइनस 60 प्लस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू कितनी आएगी हमारी 40,
तो y की स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर हावर। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या काम करना आपने, सेम डायरेक्शन में जैसे एक ए से जा रही है दूसरी बी से जा रही है, 5 घंटे में यहां मिलेगी, तो उनका डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर, ठीक है। डिफरेंस होगा, डिफरेंस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो ये ए में से क्या करेंगे, बी माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस कितना किया, 100। यहाँ क्या किया हमने, देखो यहाँ पे 5x - 5y = 100, 5 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, x - y = 20, इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड क्या है, एक घंटे में वो, ठीक है, 1 hours, यानी कि 1x + 1y = 100, x + y = 100, इक्वेशन 1 थी x - y = 20। इनको कैंसिल आउट करके एक स्पीड हमारी 60, दूसरी की स्पीड हमारी 40। बिल्कुल आसान वाला था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 square units, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी। एल क्या लिया हमने, एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये एरिया है, इसमें से क्या करना है, रिड्यूस करना है, कितना, 9 माइनस करना है, यानी कि क्या जाएगा, एक्स वाई माइनस 9 रिड्यूस करना है, ठीक। पहली कंडीशन ये है। उसके बाद इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 units, लेंथ क्या हमने मानी है, एक्स, एक्स में से 5 रिड्यूस, एक्स माइनस 5। उसके बाद कहता है ब्रेथ इज इंक्रीज 3 units, ठीक है। ब्रेथ क्या मानी हमने, वाई, वाई क्या करेंगे, 3 units इंक्रीज कर दें, बढ़ा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ एक्स वाई माइनस 9 square units, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 1 आएगी, ये केस 1, ठीक है। और इक्वेशन 2 कहाँ से आएगी, ये भी देख लो, केस 2 में क्या दिया हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, लेंथ क्या करेंगे इंक्रीज, यानी कि एक्स प्लस 3। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ऐसे ऐसे आप भी पढ़ते जाओ और करते जाओ। एंड ब्रेथ 2 units, ब्रेथ भी क्या दी हुई है इन्होंने, इंक्रीज दी हुई है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एरिया इंक्रीज, एरिया क्या, एक्स वाई, एक्स वाई कितना इंक्रीज हुआ, प्लस 67। यहाँ से हमें इक्वेशन 2 प्राप्त होगी, ठीक। इनकी डायमेंशन बताने, चलो आइए करते हैं, देखो यहाँ क्या, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एक्स की वाई से करेंगे एक्स वाई, फिर एक्स की 3 से करेंगे प्लस 3x, फिर 5 की वाई से करेंगे माइनस 5y, फिर 5 की 3 से करेंगे माइनस 15 = xy - 9, ठीक है। अब एक्स वाई साइड लेके आएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा, 3x - 5y, माइनस के 15 है, माइनस के 9 इस साइड आ जाएंगे, प्लस के 9, 15 में से 9 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, 1। अब इस साइड देखो, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे क्या आएगा, एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस के 2x, 3 की वाई से करेंगे प्लस 3y, 3 की 2 से करेंगे प्लस 6 = 2, कितना बचा यहाँ पे, एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई साइड लेके आएंगे, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 2x प्लस 3y, प्लस के 6 है, प्लस 67 है, 67 इस साइड आ जाएंगे, माइनस के 67, प्लस के 6, माइनस के 61, ठीक है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी आई, देखो यहाँ पर 3 2 6x - 5 2 10y - 6 2 12, इक्वेशन 1। इस साइड देखो, इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 से, 3 से करेंगे क्या, 3 2 6x प्लस 3 3 9y माइनस 3 1 3 6 3 18, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ ले आएंगे, इक्वेशन 2 को इसके नीचे ले आएंगे, 6x हमने वेरिएबल सेम करने थे, 6x प्लस 9y
माइनस 183 इक्वेशन 2। अब क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6x से 6x कैंसिल, माइनस के 10 माइनस के 9 कितना हुआ, माइनस के 19y। यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ कितना बचेगा 1, किस चीज़ का, ये माइनस का, ठीक है, प्लस का, प्लस का, प्लस का, ये इक्वल टू में 0। यहाँ देखो माइनस 19 इक्वल टू, ये प्लस के 171 है, उस साइड जाके किस चीज़ के जाइए, माइनस के 171, माइनस से माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ वाई है, वाई इज इक्वल टू 171/9, ठीक है, 19 निम्मा 171, यानी कि 99 जा 171, तो वाई कितना आएगा हमारा 9। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 क्या हमारी देखो, 6x माइनस 10 इंटू y के स्थान पर क्या रखेंगे, 9 रख देंगे, माइनस के 12 इजकल टू 0। देखो यहाँ पर 6x माइनस के 90 माइनस के 12 इजकल टू 0, 6x 12 90 प्लस 12 कितना हो गया, माइनस के 102 इक्वल टू 0, 6x इजकल टू माइनस के उस साइड जाके प्लस के 102 प्लस के हो जाएंगे, तो x इजकल टू कितना आया 102/6, यानी कि 6 1 जा 6 4 6 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू आएगी हमारी 17। तो लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ आई हमारी 17 और ब्रेथ कितनी आई 9, यहाँ भी लिख देंगे 17 और 9। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 समाप्त होती है, मिलते हैं 3.6 में।